हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं आदर्श शुक्ला यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप एक न्यू फ़ोन परचेस करके लाते हो और अगर आप 2-3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के बाद में अगर आप फ़ोन वही यूज़ करते हो तो आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, फ़ोन स्लो हो जाता है। तो गाइस, ऐसा क्यों होता है और क्या आप इसे सही कर सकते हो, इसी के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब आप नया नया फ़ोन लाते हो तो गाइस उसमें कोई भी ऐप नहीं रहती है, कोई भी अगर आपने कुछ यूज़ नहीं किया और एकदम पूरा फ्रेश फ़ोन होता है तो आप लाते हो, आप तरह तरह की ऐप इंस्टॉल करते हो, तरह तरह के अपडेट्स आते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, ऐप के अपडेट आते हैं, आप अपडेट करते रहते हो, जो आपकी इंटरनल स्टोरेज रहती है वो फुल होती रहती है, रैम धीरे धीरे कंज्यूम करता रहता है, जिससे आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। इससे बात कीजिए, अगर आपने एक न्यू फ़ोन लाया, ठीक है, आपने व्हाट्सअप इंस्टॉल किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फिर गाइस बात कीजिए पबजी इंस्टॉल किया, तो गाइस ऐसे आपके कितने सारे, अगर फ्लेक्सी लेवल का फोन है तो कोई बात नहीं, वो ज्यादा मतलब हैंग नहीं करेगा, कोई भी फोन स्लो नहीं होगा। बट अगर जो मिड रेंज वाला फोन रहता है वो ज्यादातर करके स्लो जरूर हो ही जाता है 6 महीने के बाद ध्यान दिया जाए तो। क्योंकि जैसे कि आपको पता, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, अगर जैसे आपने न्यू फोन परचेस किया, आपका जैसे Android 10 में आया, ठीक है, तो अगर बाद में अगर आप Android 11 का अपडेट करते हो, 2 GB का अपडेट आया हुआ, तो क्या वो स्टोरेज कहाँ से लेगा, आपके फोन से स्टोरेज लेगा ना, क्यों, आपका रैम जैसे 6 GB है और इंटरनल स्टोरेज जैसे 64 GB है, ठीक है, 64 GB में से गैस पहले से फुल होकर आता रहता है, मुश्किल से 50 GB देखने को मिलती है। उसमें अगर आपने कोई ऐप इंस्टॉल की होगी उसके ऊपर से गाइस वो GB और कंज्यूम होगी, फिर उसके बाद में अगर आप कोई अपडेट आता है वो अपडेट करते हो तो और कंज्यूम होगी, तो धीरे धीरे लोड बढ़ता रहता है और लोड बढ़ता रहता है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपके जो फ़ोन धीरे धीरे गर्म भी होने लगता है, तो अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जो रहता है वो AI के थ्रू गाइस जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर जो हार्डवेयर होते हैं वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाते, जिससे फ़ोन आपका ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। तो गाइस जैसे कि आपको पता, अगर पबजी की बात की जाए तो पबजी शुरुआत में 1 से 1.5 GB में आया था, पर अगर अब फिलहाल में देखो तो 2 से 2.5 GB तक पहुंच गया है। तो पहले जो जितना कम लगा 2.5 GB का, तो ऐप ऐसे ही है, अगर अपने फ़ोन में रखोगे फिर यूज करते रहोगे तो ऑटोमेटिक उसकी फाइल्स बढ़ती रहेगी और 2 GB 3 GB 4 GB तक बढ़ जाएगा। फेसबुक की बात करें तो गाइस फेसबुक अगर आप यूज़ करो तो 500 MB की 600 MB की स्ट्रॉन्ग ऐसे ही ले रहे हैं। बिकॉज इसके लिए मैं हमेशा आपको बताता भी हूँ कि आप लाइट वर्जन ऐप्स का यूज़ कीजिए, बिकॉज इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हो। बस यही होता है मैटर, किसके लिए फ़ोन स्लो होता चला जाता है, अगर हो सके साल भर या ज्यादा से ज्यादा हो सके गाइस आपको 2 साल बाद फोन चेंज करना चाहिए, उससे पहले आपको फोन चेंज ही नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे काम छोटे, जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तो भले आपको चेंज करना चाहिए, बट गाइस अगर आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो तो आप फोन पे जोर कम दीजिए। जैसे कि अगर आपको पबजी यूज करना है, पबजी यूज कीजिए और फेसबुक की जगह पर हमेशा फेसबुक लाइट वर्जन का ही ऐप यूज कीजिए, जिससे आपकी बहुत सारी स्टोरेज खाली हो जाएगी। आप हमेशा अपनी इंटरनल स्टोरेज खाली रखिए, इंटरनल स्टोरेज मतलब मैं तो बोलता हूँ कोई भी वीडियो और फिर सॉन्ग्स हुए या फिर गाइस कुछ भी ऐप हुआ, गैस आप कुछ भी मत रखिए, पूरा खाली रखिए एक अलग से आप। और SD कार्ड की बात की जाए तो गैस SD कार्ड आपको हमेशा 10 क्लास की लगानी हो, वो भी अच्छी कंपनी वाली लगानी। आप सोचते हो कि मैं जाऊँ 100 रुपये या 200 वाली सस्ती मिल रही तो मैं लगा लूँ, उससे गैस एक बात बताओ, उससे आपका फ़ोन और स्लो हो जाता है। अगर आप जितनी अच्छी मेमोरी कार्ड लगाओगे उतना आपका फ़ोन स्लो नहीं चलेगा, उतना आपका फ़ोन फास्ट चलेगा। तो आपको मेमोरी कार्ड भी हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा 10 क्लास का यूज़ करना है। तो बेसिकली गैस ये सब स्टेप फॉलो करते हो तो गैस आपका फ़ोन सही चलेगा, आप फ़ोन ज़्यादा दिन तक यूज़ कर पाओगे। बट गाइस जो अपडेट्स आते हैं आपकी स्टोरेज फुल हो जाती है और गाइस जो आपके फ़ोन में दिक्कत आने लगती है, तो इसलिए गाइस आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। आपने बहुत बार देखा ही, आपका फ़ोन जितना हीट होता रहेगा उतने आपके फ़ोन स्लो होती जाएगी। फिर बात कीजिए बैटरी के बारे में, तो आपकी बैटरी जितनी ख़राब होती जाएगी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक डाउन होता चला जाएगा। इसलिए गाइस इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया कि आप अपनी बैटरी लाइफ कैसे बढ़ा सकते हो, तो गाइस वो भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस बेसिकली ये सारे स्टेप आप फॉलो कीजिए, जो आपका फ़ोन स्लो होते जा रहा है वो स्लो नहीं होगा और बेसिकली गाइस आप एंड्रॉइड फोन को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक यूज कर पाओगे। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, अगर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए, सर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।